सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त होस्ट जसवंत और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आप सभी का गेमिंग विद जसवंत यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने बोला था कि भाई बताओ कि M10 का बेस्ट परमानेंट स्किन कैसे निकालें, तो उसके लिए क्या करना होगा, वो स्किन कहाँ पे मिलेगा, वॉलेंटियर नाम है उस स्किन का, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्टोर में आके आर्मरी सेक्शन में आना है। आर्मरी सेक्शन में थीम बॉक्स होगा ना, वहाँ पे आप आके आपको इसको देखना है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक क्रेट ओपन किया, कुछ नहीं मिला। दूसरे क्रेट में ओपन किया M10 24 घंटे के लिए। अभी हमको परमानेंट निकालना है, तो मैंने 10 क्रेट लेके मैं बैक जाके इनको ओपन करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं आता हूँ क्रेट्स के सेक्शन में और इनको जो है 10 के 10 ओपन करता हूँ। आप सभी लोगों को पता है क्योंकि 10 के 10 ओपन ही मैं करता हूँ, सभी लोगों को पता है। ये मेरे को लगता है कि भाई इसमें परमानेंट निकलने के चांसेस होते हैं, तो मेरा जो एक मैं जिसको मैं ट्रिक मानता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हयातो कैरेक्टर और उसके साथ साथ डेविल हंटर बंडल, इसको मैं एक ट्रिक मानता हूँ और ये 100% वर्क करता है मेरे को परमानेंट गन इसके निकालने में। और वेपन की बात करें तो ये वाला जो फ्री में मिला था एक इवेंट में, वो वाला मैं ले लेता हूँ। और पेट जो कि है मैं पांडा लेता हूँ और इसका कोई भी स्किन ना हो, तो इसको मैं एक ट्रिक मानता हूँ। और 80% ये जब मैं करता हूँ तो मेरे को चांसेस होते हैं, 80-90% चांसेस होते हैं मेरे को परमानेंट गन स्किन निकालने के, तो आप भी ये कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है 10 के 10 क्रेट ओपन करेंगे। और फ्रेंड्स, सभी लोगों को पता है कि परमानेंट गन स्किन निकालने में ट्रिक कम लक ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 के 10 क्रेट ओपन किए और ये देखो भाई एक भी स्किन मेरे को परमानेंट नहीं निकली। तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक आप यूज़ करोगे तो आपको 100% परमानेंट गन की स्किन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको करना पड़ेगा यार, ट्राई करना पड़ेगा, बार बार क्रेट ओपन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कि आप ये वाली ट्रिक अपनाओगे तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि 20 से 25 क्रेट में आपको परमानेंट निकल के आ जाएगी स्किन। और कभी कभी अगर कि आपका एक अच्छा लक है तो एक क्रेट में भी परमानेंट M10 की स्किन निकल सकती है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर्मर स्ट्रक्चर में थीम बॉक्स में आपको ये वाली स्किन मिलेगी, ठीक है, सभी लोगों को पता है। तो वॉलेंटियर नाम से है और आप इसको आराम से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्रेट में आता हूँ, क्रेट में आने के बाद मेरे पास 11 क्रेट हैं, तो 10 के 10 क्रेट ओपन करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देसी टोटका है, ठीक है, सभी लोगों को पता है कि करो मिल जाएगा। तो मैंने 24 घंटे वाली पे क्लिक किया, 24 घंटे वाली पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो है M10 तीसरे नंबर पर मेरे को परमानेंट मिल चुकी है। इसके साथ साथ वॉलेंटियर स्कार भी मेरे को परमानेंट मिल चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छा मोमेंट रहा मेरे लिए कि दूसरी बार में मैंने जब 10 क्रेट लिए तो उसमें जो है मेरे को मिल चुके M10 स्किन परमानेंट, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये स्किन यहाँ पे मिलेगी गाइज। और अगर कि आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, डेविल हंटर बंडल है तो और अपना ये पांडा ये सब है, तो आप करो ट्राई। और ये वाला जो इवेंट में फ्री में मिला था M10, अगर कि आपके पास ये है तो ट्राई करो, 100% आपको गन की स्किन मिलेगी। तो ये वाली नहीं, मैं क्यूपिड स्कार रखता हूँ क्योंकि इसका डबल रेट ऑफ फायर है। ये बहुत ही मतलब अच्छी स्किन है M10 की, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है पिछले वीडियोस में, बहुत ही अच्छी स्किन है, सबसे मतलब बेस्ट स्किन है M10 की। लेजेंड प्लेयर्स हैं जो M10 के, वो यही यूज़ करते हैं, ठीक है। और बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि मैं प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद ये वीडियो ज़रूर लाऊंगा, और इसके बाद भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि यार मतलब मैंने चैनल बनाया था, मेरे को विश्वास नहीं था कि इतने जल्दी ग्रो कर जाऊँगा, लेकिन आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट है और मुझे पता है कि हम बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, मुझे पता है। आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार इतना ज़्यादा है और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हों तो मैं एक गिव अवे लाऊंगा, ठीक है। और सोच रहा हूँ कि आलोक कैरेक्टर अगर कहीं गिफ्ट स्टोर में आ जाए तो उसका ही गिव अवे कर दें, क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।